प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का आज उद्घाटन किया। इससे व्यापार और लोगों के आने जाने में सुविधा होगी, जिससे भारत और नेपाल के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। भारत नेपाल के बीच मजबूत रिश्तों की नींव। भारत नेपाल के बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का हुआ उद्घाटन। पीएम मोदी और ओली ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बना जोगबनी विराटनगर आईसीपी का उद्घाटन किया है। सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस चेक पोस्ट के खुलने से आपसी व्यापार और लोगों को आने जाने में आसानी होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जहां इस दशक को भारत नेपाल संबंधों का स्वर्णिम दशक करार दिया, तो वहीं नेपाल के पीएम केपी ओली ने भी रिश्तों की मजबूती की बात कही। हमारे संबंध सिर्फ पड़ोसियों के ही नहीं है, जैसा ओली जी ने कहा, इतिहास और भूगोल ने हमें प्रकृति, परिवार, भाषा, संस्कृति, प्रगति और न जाने कितने धागों से जोड़ा है, और इसलिए हम दोनों देशों के बीच अच्छी कनेक्टिविटी हमारे जीवन को और नजदीक से जोड़ती है। And India have remained close neighbors and friends since time immemorial. Geography, history, culture and traditions bind our two countries and peoples. Close friendship and understanding between political leaders and peoples have nurtured our friendly ties. बता दें कि चेक पोस्ट 260 एकड़ जमीन पर बनाया गया है, जिसकी लागत करीब 140 करोड़ रुपए है। इस चेक पोस्ट से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दोनों देशों के बीच व्यापार में इजाफा होगा। विदेशी नागरिकों के आने जाने, माल का निर्यात और आयात संबंधी सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद है। इस चेक पोस्ट से वाहन चालकों, सवारियों और सुरक्षा बलों के लिए पूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। दरअसल भारत और नेपाल 1850 किलोमीटर लंबी सीमा एक दूसरे के साथ साझा करता है, और इससे होकर लोगों की बेरोक टोक आवाजाही जारी है। भारत और नेपाल के बीच ये दूसरी चेक पोस्ट है, और इस तरह की एक और चेक पोस्ट का उद्घाटन साल 2018 में हो चुका है। पहली चेक पोस्ट बिहार के रक्सौल और वीरगंज बॉर्डर पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।